हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास आपकी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपके सामने एक नया कोर्स आएगा, उसका क्या नाम होगा ये मैं आज जल्द ही अनाउंस करूंगा और उसकी डेट और टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। सो गाइस, अभी तक जो आपने सब सीखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और उसी के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना आया है जैसे एक छोटे बच्चे को हम कैखे गैखे या ABCD सिखाते हैं। इसके असली चीज़ तो बाद में आती है, क्योंकि अभी भी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि हमें कुछ आया है, लेकिन गाइज अभी ये कुछ भी नहीं है। दिस वॉज जस्ट अ ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ सीखना है आपको और बहुत आगे तक जाना है। और अभी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग को सीखना, और पिछली क्लासेस का रिविज़न कर लीजिएगा ताकि आपकी टाइमिंग्स ना बिगड़े, आपको टाइमिंग का पूरा पूरा ध्यान हो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। और आई होप इनकी भी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। यस। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया वो है एक्शंस को याद करना जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक्शन के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज ये लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी एक दो रिवीजन क्लास और टेस्ट क्लास लूँगा, और एक हफ्ता पूरा जूम ऐप पर ही चलेगी अब हमारी क्लासेस, ताकि आप लोगों से बात हो, कॉन्फिडेंस आपका सामने आए, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। सो गाइज, अभी आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है Use of may, ये मंथ वाला may नहीं है, use of may and might and must, ये तीनों चीज़ आपको समझनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये चुटकी का कमाल है, एक चुटकी में समझ में आ जाएगा जैसे ही बजाऊँगा। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको यहाँ होता है मुझे लगता है, तो इसीलिए मैं आपको ये क्लास लेकर आया हूँ, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मे का। मे के दो यूज़ हैं, एक पॉसिबिलिटी के लिए और दूसरा परमिशंस के लिए। परमिशंस के लिए, अगर आपको फॉर्मल वे में परमिशंस मांगनी है, फॉर्मल वे कहाँ यूज़ होगा, जैसे मैं एक टीचर हूँ आप एक स्टूडेंट हैं, तो जब आप मुझसे बात करेंगी तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगी, क्या ये मैं खा सकती हूँ, तो आप क्या पूछेंगी, मे आई ईट दिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ तो आप क्या पूछेंगी, कैन आई ईट दिस, तो कैन चल जाएगा जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कैन आई ईट दिस। लेकिन जब आप फॉर्मल हैं, अपने बॉस से, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आपको कोई भी पांच क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको भी गाइस पांच क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। सोचो कि मैं आपका बॉस हूँ या मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है। सो आस्क मी एनी फाइव क्वेश्चंस। क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? आस्क इन इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। कैन आई पुट योर पेन? यस श्योर। सॉरी, मे आई पुट योर पेन? अब समझ में आया। अब आपको ध्यान रखना है कि आप जो हैं टीचर से बात करें या दोस्त से बात करें। दोस्त से बात करेंगे तो कैन यूज़ करेंगे और फॉर्मल हैं, और टीचर से या बॉस से बात कर रहे हैं तो आपको मे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यस। मे आई पुट योर पेन? मे आई गो टू आउटसाइड? मे आई ड्रिंक दिस वाटर? मे आई राइट ऑन योर बोर्ड, वाइट बोर्ड? मे आई टेक योर मार्कर? सो शी हैज़ आस्क फाइव क्वेश्चंस। अब ये तो समझ में आ गया ना आपको कि मे का यूज़ क्वेश्चन पूछने में किया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ की। अब ध्यान से समझो, मे और माइट में क्या फ़र्क है। मे का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है माइट, मतलब सेकेंड फॉर्म मान लीजिए। जैसे कैन का कुड होता है, वैसे मे का माइट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे माइट। जैसे कि 90% आपको लग रहा है ये काम होगा तो आप यूज़ करेंगे मे, ये काम होगा आप यूज़ करेंगे मे। अगर आपको लगता है कि केवल 10% जो बाकी का बचा हुआ है कि शायद ही ये होगा, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, बहुत कम है, तो आप यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। और आपको लगता है कि ये काम ज़रूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट, तो आप वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे, नेसेसरी। सो अगर आपको लगता है कि कोई काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो करना ही चाहिए आपको या मुझे या उसको, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। सो तीनों यूज़ हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। सोचो कि तुम्हें कोई काम करना है और वो आपको पता है कि लगभग वो होगा ही होगा, उसके जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है,
जैसे शाम को बारिश होगी तो इट मे रेन टुडे, टुडे नहीं बोलेंगे, इट मे रेन दिस इवनिंग, दिस इवनिंग का मतलब आज की शाम, ठीक है। सो कोई भी काम जो आपको लगता है कि हाँ ये होगा, पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से समझो, मैं जाऊँगा, आई विल गो, आई विल गो का मतलब है पक्का है मैं जाऊँगा, आई विल गो। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है और थोड़ी सी कमी लग रही है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि ना जाऊँ, है ना, तो आप बोलेंगे आई मे गो, आई मे गो का मतलब है 90% है मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं शायद ही जाऊँगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मुझे बहुत काम है, तो आप क्या बोलेंगे, आई माइट गो, आई माइट गो, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जाने के पूरे चांसेस हैं, तो आप बोलेंगे आई मे गो। और अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं शायद ही जाऊँ, तो आई माइट गो, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो आप बोलिए आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको कोई भी फाइव ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप शायद आज करोगी करोगी, लगभग आपका तय है। आई मे ईट फूड, हाँ बिल्कुल ठीक है, आई मे टेक बाथ, आई मे गो टू मार्केट, आई मे प्ले विद माई डॉटर, आई मे सर्व फूड फॉर यू, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है, कि मैं शायद आऊँ तुम्हारी पार्टी में, आई मे गो, आई मे कम इन योर पार्टी, मतलब क्या है कि मैं 90% आ ही जाऊँगा, पॉसिबिलिटी 90% है, बहुत ज़्यादा है। अब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि यार मैं कह तो रहा हूँ कि शायद मैं जा नहीं पाऊँगा, मुझे लगता है कि जैसे मैं शायद आज खाना नहीं खाऊँगा, तो आई माइट नॉट ईट फूड टुडे, आई माइट नॉट ईट फूड टुडे, आज शायद मैं खाना ना भी खाऊँ, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि शायद आज आप ये नहीं काम करोगी, तो आप बोलोगे आई माइट डू दिस या आई माइट नॉट डू दिस, ठीक है। आई माइट नॉट गो टू स्कूल टुडे, आई माइट नॉट क्लीन माई रूम, आई माइट कुक फूड, आई माइट डू द डिशेज, आई माइट मेक वीडियो विद यू, आई माइट नॉट प्रैक्टिस टुडे। सो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद ही ऐसा होगा जो ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो भी इन्होंने बोला। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मस्ट। मस्ट का मतलब ये होना ही होना चाहिए कि भाई तुम्हें खाना चाहिए, भाई तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें खाना ही चाहिए, यू मस्ट ईट फूड, तुमको खाना ही चाहिए भाई, हमें नहीं पता। तो मस्ट का मतलब है नेसेसरी है, ज़रूरी काम है। जैसे मैं जाऊँगा भाई, पक्का है मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, तो आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए भाई, मुझे पक्का जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा बोलना है कि हाँ भाई मुझे करना ही है, नेसेसरी है, ज़रूरत है इसका, 100% इसको करना ही चाहिए, तो आप वहाँ पे मस्ट का यूज़ करोगे। कोई भी मस्ट वाले सेंटेंस बताइए कि भाई हम ये करना ही चाहिए, जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, हमारे बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, वी मस्ट प्लांट ट्रीज, हमको पेड़ लगाने ही चाहिए, पानी भी देना चाहिए, कभी लगा के भूल जाओ, वी मस्ट वाटर द प्लांट्स, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिए, तो कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है बताइए, आपको क्या ज़रूरी है जो करना ही चाहिए। आई मस्ट केयर ऑफ माई डॉटर, आई मस्ट कुक फूड फॉर यू, आई मस्ट प्रैक्टिस विद यू, इंग्लिश प्रैक्टिस विद यू, आई मस्ट गो टू वृंदावन, आई मस्ट मेक वीडियो डेली, ये कोई गाना है आई मस्ट, अरे एक बार सोच लो, गो टू प्ले बोलना है तो आई मस्ट गो टू स्कूल, अगर आप मस्ट बोलोगे तो फ्लुएंसी खराब हो जाएगी, ठीक है। आई मस्ट गो टू स्कूल, आई मस्ट गो टू मार्केट, आई मस्ट केयर ऑफ माई डॉटर, आई मस्ट प्रिपेयर टी फॉर यू। तो समझ के ना, अब आप समझो ध्यान से, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी गाइज, और ये क्लास आज यहीं, अभी टॉपिक्स मुझे पता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं सिखाई हैं, आई नो दैट मैंने आपको क्या क्या नहीं सिखाया सब मुझे मालूम है, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने अभी छोड़े हैं वो सब मालूम है। अभी वो इसलिए छोड़े हैं ताकि आपके पास कन्फ्यूजन के लिए ज़्यादा टाइम ना हो,
ठीक है। सो आज शाम या कल तक आपको नोट्स मिलेंगे हमारे बेसिक की 15 क्लासेस में जितना कुछ समझाया उस सब का। बेसिक्स के नोट अलग होंगे और आगे के कोर्स जिसका जो भी नाम होगा मैं बाद में सोच कर बताऊँगा। और आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट कोर्स का क्या नाम रखूँ। और कल से आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा दो दिन लगभग, और आप लोगों को लगभग मान के चलिए कि रिवीजन ज़्यादा करना है। मैं ट्राई करूँगा रिवीजन क्लासेस की, ठीक है। तो प्लीज़ रिवीजन करो जितना हो सकता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे की जर्नी भी ऐसी है, देखो टाइमिंग सारी सिखा दी हैं, बस अब लेवल चेंज करना है आपको, ठीक है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ छूट गया आपका। आप अभी भी देख सकते हो वीडियोज़ को, दोबारा देखो, लिंक चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारी वीडियोज़ डे बाई डे लगी हुई हैं, आप आराम से इंजॉय कीजिए हमारी क्लासेस। सो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप प्रैक्टिस करते रहें। और एक चीज़ हमारी रीच 5 लाख की होने वाली है, तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, और जितनी जल्दी हो सके वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों के साथ, और जितनी जल्दी हो सके हमें 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, उसके बाद 1 मिलियन तक भी। तो गाइज, आज की जो वीडियो थी वो बहुत शॉर्ट थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, और आगे भी इतना ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। जो मेन चीज़ है, जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब हमारा कोर्स आगे चलता रहेगा, अभी बहुत कुछ सीखने को है दोस्त। और कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कैसा ग्रामर क्लास भी कराइए, कुछ ने कॉल बोला था, तो बिल्कुल ग्रामर क्लास होंगी, डेफिनेटली हम लोग आपको ग्रामर क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना ही पड़ेगा, हर चीज़ के लिए वेट करना होता है। अब आप लोगों के लिए क्या मिशन है, पिछली सारी क्लास का रिविज़न कीजिए, नोट्स ले लीजिए, नोट्स से पढ़िए, और एक्शंस जितने ज़्यादा याद हो जाएं उतने ज़्यादा याद कीजिए, आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बस भरोसा करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।